Good morning, student. Today we will start BCom part 1st ABST paper 1st. अपना जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट, जिसमें हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और न्यूमेरिक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे. वेरी मोस्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किया था उसी प्रकार से वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन है वो एक से अधिक है. उसमें भी चार कंडीशन थी, इसमें भी चार पांच कंडीशन है. उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी जो टेबल है वो चेंज हो जाती है. उसमें सब कौन ऐड करने होते हैं, जैसे लास्ट आपने जो क्लास थी उसमें मैंने आपको सब्सिडी के बारे में बताया, उसी तरीके से इसमें भी काफ़ी कौन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को अपने टेबल क्रिएट करनी है. देखिए इक्विपमेंट की कंडीशन क्या है, उसके साथ क्या क्या सप्लीमेंट्री कंडीशन अप्लाई कर रखी है, उनको अपने को फॉलो करते हुए फिर टेबल क्रिएट करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट तो अपने को ये पता होना चाहिए क्या क्या कंडीशन अपने क्वेश्चन में लगाई है. तो आप अपने बुक में देखिए, अपने को इसने बताया है कि मिनिमम रेंट है वो 25,000 एनुअली रहेगा. तो अपन यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट रेंट 25,000 एनुअली. ठीक है, इसके बाद अपने को इसने बताया है कि रॉयल्टी पेमेंट करनी है रुपीज़ टू पर टन. क्लियर. इसके बाद अपने को इसने और कंडीशन अप्लाई कर रखी है, ये आप सुनते हैं. शॉर्ट वर्किंग है, नेक्स्ट टू ईयर में आप ले सकते हो. नेक्स्ट टू ईयर में आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो. इसके बाद 50% ऑफ द एक्सेस अर्निंग ओवर मिनिमम रेंट टू ईयर और 50% रिकूप ऑफ एक्सेस वर्किंग. एक्सेस वर्किंग का 50% रिक्रूटमेंट ले सकते हो. शॉर्ट वर्किंग का जो रिक्रूटमेंट है मैक्सिमम एनुअली आप ले सकते हो. मैक्सिमम आप रिक्रूटमेंट ले सकते हो 8,000 पर एन. एक वर्ष में अधिकतम रिक्रूटमेंट रहेगा तो 8,000 का रहेगा. नो रिक्रूट लेस देन प्रोडक्शन. नो रिक्रूट लेस देन प्रोडक्शन 5,010. 5,000 से कम होगा तो आपको रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा. अब नीचे अपने को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 5 ईयर का प्रोडक्शन दिया हुआ है. यस, देखिए 7,000, 8,000, 4,000, 20,000, 25,000. 5 ईयर का अपने पास प्रोडक्शन है. ये अपना क्वेश्चन है. ये जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने नोट किए हैं. ये आपको अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो जो हम टेबल क्रिएट करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगी. यस, क्या है फिर रिपीट करता हूँ. रेंट है वो 25,000 एनुअली रहेगा. ठीक है, एक बार वो क्लियर देता हूँ. आपके पास अलग अलग एडिशन में अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे 2,50,000 दे रखे हैं. तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग करना, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ 20 दे रखा है या 2 दे रखा है, तो जैसे इसमें 2 दे रखा है, 2 के अकॉर्डिंग है आपके पास 20 है, 20 के अकॉर्डिंग देना. ठीक है, ये यही मिलेगी आपको. ये भी पॉइंट ये है, ये यहाँ 80,000 हो जाएगा. 8,000 के कितने 80,000 और रिक्रूटमेंट ये कंडीशन बोल दी. ठीक है, यस, अब आप समझिए. रेंट तो अपने को 25,000 रुपये लिखनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनुअली रेंट 25,000 अपने को मिनिमम रेंट वाले कॉलम में लिखना. रॉयल्टी की हम बात करें तो जो प्रोडक्शन है उसको आपको ₹2 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. इसके बाद रिक्रूटमेंट की कंडीशन क्या है, नेक्स्ट टू ईयर, मतलब
का जो भी लॉस है उसको अगले दो वर्ष में आप रिकूप कर सकते हो। 50% रिकूप हो एक्सेस वर्किंग, मतलब आपके पास जो प्लस में होता है उससे आप क्या करते हो, रिकूप करते हो। बट आप जितना भी प्लस में होता है, यदि आपके लॉस है, शॉर्ट वर्किंग है, तो आप क्या करते हो, उसका रिक्रूपमेंट कर लेते हो। बट इसमें कंडीशन लगाई है कि एक्सेस वर्किंग का 50% ही रिकूप कर सकते हो, इससे अधिक नहीं कर सकते। तो ये आप मेरे को ध्यान रखना है कि 50% से अधिक रिकूप नहीं करना है। मैक्सिमम रिक्रूपमेंट है वो 8000 पर एनम रहेगा। एक वर्ष में आप 8000 से अधिक रिक्रूप नहीं करोगे। क्लियर, ये बातें सभी अपने को बता रखे इसने, नो रिक्रूप। और लास्ट में अपने को कहता है कि किसी भी ईयर आपका प्रोडक्शन लेस देन 5000 रहता है, 5000 से कम प्रोडक्शन रहता है, तो नो रिक्रूपमेंट, किसी प्रकार का रिक्रूपमेंट नहीं दिया जाएगा। ये बातें सभी मेन हैं जो आपको याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंग ही अपने टेबल क्रिएट की जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपके समझ में आ गया। फिर रिपीट करता हूँ, रेंट अपना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रोल फिर आपको 2 रुपये देनी है, रिक्रूपमेंट नेक्स्ट 2 ईयर रहेगा, एक्सेस वर्किंग का 50% रिक्रूप कर सकते हो, एक्सेस वर्किंग का 50% बट 8000 से अधिक नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए ये जो कंडीशन लगाई है, इस भी कंडीशन को फॉलो करके करना है। कोई भी कंडीशन का है वो देखिए, जैसे एक्सेस वर्किंग मेरे पास कितने हैं, 20000, तो इसका 50% मैं रिकूप कर सकता हूँ। कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 10000। और मिनिमम कितना होता है एक वर्ष में, सॉरी मैक्सिमम 8000। तो ये 50000 का फॉलो कर रहा है, बट मैं 50000 के अकॉर्डिंग 10000 यदि रिकूप करता हूँ तो ये एक वर्ष में आप 8000 से अधिक नहीं कर सकते, इसलिए फिर मैं 8000 ही लिखूँगा। तो ये भी कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए, सभी को फॉलो करते हुए अपने को काम करना है। ठीक है, और प्रोडक्शन यदि आपका लेस देन 5000 रहता है तो नो रिक्रूपमेंट, किसी प्रकार का रिक्रूपमेंट नहीं दिया जाएगा। तो आप प्रोडक्शन देखिए अपनी बुक में, फर्स्ट ईयर में 7000 इसका जो शॉर्ट वर्किंग है इसका रिक्रूपमेंट मिलेगा आपको, सेकेंड ईयर का भी मिलेगा, थर्ड ईयर का नहीं मिलेगा। थर्ड ईयर का क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लेस देन 5000 है, 4000 है ना, इसलिए आपको रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा, फोर्थ का आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है थर्ड ईयर में जो रिक्रूटमेंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसकी जो भी थर्ड ईयर का जो भी प्रोडक्शन है, उसकी जो भी लॉस हुआ है, वो आपको रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाएगा पता है क्या आपको, क्योंकि लेस देन प्रोडक्शन रह गया, इसलिए आपको इसका रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा फोर्थ ईयर का। तो आप क्या करोगे, थर्ड ईयर की जो शॉर्ट वर्किंग है डायरेक्ट ही आपके अंडर में ट्रांसफ़र कर देना, इसका किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हम इसकी टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल के लिए आपको पता है कि आप क्या करते हो, वो ही नॉर्मल कॉलम बनाने हैं, इसमें एक्स्ट्रा कोई कॉलम नहीं बनाना है, वही अपने नॉर्मल टेबल में कॉलम बनाए जाते हैं। तो बनाएंगे ईयर, अपने पास 5 ईयर की डिटेल है, 20 तो जो प्रोडक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है,
ये अपनी टेबल का फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट में हमने यहाँ कर लिया है। अब अपने को ये आगे की कॉलम अपने को ही क्रिएट करनी है। ये अपने को बुक में जो रोयल्टी थी वो हमने बुक की। रेंट रॉयल्टी भी चिन्ह है। रेंट अधिक है माइनस भी लिखते हैं, रॉयल्टी भी जब प्लस भी लिखते हैं तो रेंट अधिक है माइनस भी लिख देंगे 11,000। रेंट अधिक है माइनस भी लिख देंगे 9,000। ठीक है, इसके बाद रेंट दिखे माइनस को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस में फिर प्लस में। क्लियर। इसके बाद यहाँ लिखते हैं हिंदी नेट पेमेंट की बात करें कुछ हायर 20,000 बैलेंस और शो ट्रॉफी 11,000। ठीक है, फिर चलते हैं मेन और यहाँ पर लिख देते हैं। देखो वन ईयर में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट 8,000 होगा। एक वर्ष में आप रिक्रूटमेंट कितना कर सकते हो 8,000। इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग है वो 8,000 इंटू नेक्स्ट टू ईयर है तो टू से, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर से। तो आप ये ध्यान रखना कि जब मैक्सिमम अमाउंट आपको दिया हो तो नेक्स्ट ईयर जितने भी है उनको मैक्सिमम से मल्टीप्लाई किया करो और जो अमाउंट आए उससे अधिक बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 8,000 है, नेक्स्ट टू ईयर है तो मल्टीप्लाई किया बैलेंस 16,000 से अधिक कभी भी इस टेबल में नहीं जाना चाहिए। तो अपना बैलेंस कितना जा रहा है 11,920 जा रहे हैं, इसलिए मैंने 4,000 क्या करते हैं पी एन एल में राइट ऑफ कर। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में आप 8,000 मैक्सिमम रिक्यूब कर सकते हो, दो वर्ष में कितने कर सकते हो मैक्सिमम 16,000। तो 16,000 से अधिक बैलेंस रखते हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रिक्यूबमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए ये कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है कि ये मैक्सिमम अमाउंट इंटू नेक्स्ट टू ईयर है तो टू से करिए, थ्री ईयर है तो थ्री से करिए, फोर है तो फोर से करिए और उससे अधिक बैलेंस ये नहीं जाना चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। हायर 25,000 फिर चलते हैं नेल। अब इसके लिए एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, एक्सपायर हो चुकी है तो ये 8,000 अपने यहाँ करते हैं और ये वो ईयर है जो लेस देन प्रोडक्शन था। ये जो है ना लेस देन प्रोडक्शन था तो ये अपने को डायरेक्टली पी एन एल में ट्रांसफ़र करने थे। तो ये 17,000 ये और 8,000 ये, क्योंकि 4,000 तो 3,000 तो गेन कर दिए ना, तो ये 25,000 रुपये आपको क्या करने हैं पी एन एल में ट्रांसफ़र करने। इसके 8,000 ही 4,000 कौन से हैं एक्स्ट्रा, 8,000 से जितने एक्स्ट्रा थे वो तो यहीं राइट ऑफ कर चुके हो आप। तो 3,000 तो इसके एक्स्ट्रा थे और 8,000 में इसके 1,000 थे, 4,000 तो यहाँ राइट ऑफ कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट टू ईयर हो गए 1 और 2, रिकूप ये हुए नहीं। तो रिकूप नहीं हुए तो आपको क्या करना है 8,000 तो उनको राइट ऑफ करना है और ये 17,000 है ये लेस देन प्रोडक्शन वाला है, इसको डायरेक्ट पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो 17 ये 8 ये 25,000 रुपये आपने राइट ऑफ किए। पेमेंट की बात करें रिकिंग हायर और बैलेंस रहेगा आप कितना 8,000। कौन से ये 8,000, इसके 8,000 है जो 1 और 2। अब अपने को रिकूप करने हैं 8,000, इसकी भी डेट एक्सपायर हो रही है 1 और 2। अब देखिए 8,000 है यहाँ प्लस में है, हम 8,000 रिकूप कर सकते हैं बट इसका 50% से अधिक नहीं करना है। तो इसका 50% कितना होता है 7,500। ठीक है, कंडीशन क्या है एक्सेस वर्किंग का 50% से अधिक रिकूप नहीं कर सकते। अब आपको कि एक वर्ष में 8 तो कर सकते हैं, 8 तो कर सकते हो बट इसका 50% करते हैं वो 7,500 आता है, इसलिए 7,500 ही कर सकते हैं। 500 रुपये शॉर्टेज रहेगी उसको आपको राइट ऑफ करना है। क्लियर। पेमेंट मिसिंग हायर 40,000, 40 में से 7,500 कम कर दीजिए 32,500 का पेमेंट। ये हो गया नेल पेमेंट रिसीव है 50,000। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना था।
आप नोट करिए, प्रॉब्लम है पूछिए। देखिए प्रॉब्लम आपके ये है, ये 25,000 कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, ये दो प्रॉब्लम रहती है बच्चों के। ये ऑनलाइन क्लासेस से आप कुछ नहीं पा रहे तो मैं आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं क्लियर कर देता। आप पहले इसको नोट करिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेस देन 5,000 है, 5,000 से कम है, इसलिए जो 5,000 से कम रहेगा तो लैंडलॉर्ड ने पहले ही मना कर दिया था। जिस ईयर आपका प्रोडक्शन लेस देन 5,000 रहता है नो रिक्रूटमेंट, कोई रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये जो शो होती है ये डायरेक्ट पी एंड एल में ट्रांसफर, ये मैंने कैलकुलेशन में लिख दिया आपको। ये हमने क्यों किए हैं, इसका 50%, ठीक है, एक्सेस वर्किंग का 50% आप रिक्रूट कर सकते हो, ये 50% किया। क्लियर, ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसके अकाउंट अपने को कंप्लीट करने हैं, लेसी की बुक में रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्रिएट करना है। तो इस टॉपिक रॉयल्टी वाले में मैन मैन जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं एक, ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट थे वो ये पहले वाली क्लास में हुई है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसमें एक से अधिक कंडीशन दे रखी है, इसलिए टेबल थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आप इसको रिपीट कर रिवीजन करते रहना तो आपके ये ध्यान में रहेगा। तो आप जब जैसे ये क्वेश्चन बना ना उसकी पहले आप रिक्रूटमेंट की कंडीशन क्या है, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, वो पूरी जानकारी ये देता है, उसके अकॉर्डिंग अपने को ध्यान में रखना है।